नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। बिरसानगर जोन नंबर 4 स्थित रॉयल बॉयज क्लब की ओर से लॉकडाउन की स्थिति में गरीब और असहायों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में प्रतिदिन 500 लोगों के लिए खिचड़ी और सब्जी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, सभी दोस्त मिलकर इस खर्च का खुद ही वहन कर रहे हैं। इसके तहत डुंगरी टोला और हुरलुंग सहित अन्य क्षेत्रों में भोजन बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कई जगहों पर तो स्थिति यह है कि खाना देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोगों को वहां खाना नहीं मिल रहा है, जिस कारण उन्हें परेशानी हो रही है। हम लोग जोन नंबर 4 रॉयल बॉयज क्लब की ओर से हम लोग अपने ही दोस्त फ्रेंड सर्कल में हम लोग 4 दिन से गरीब जिलों असहाय है उन लोगों के लिए खाने का आयोजन किए हुए हैं। पर डे हम लोग 400-500 आदमी का खिचड़ी सब्जी का आयोजन कर रहे हैं। जितना हम लोग का सामर्थ्य है, ये कोई संस्था की ओर से नहीं है, जितना हम लोग का क्लब की ओर से हम लोग का जितना दोस्त है सबको हम लोग एक साथ मिल के अपना कलेक्शन करते हुए इसको सेवा को जितना हम लोग कर सक रहे हैं जिन लोग असहाय व्यक्तियों के लिए हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? ये हम लोग बिरसानगर में ही बांट रहे हैं, जहाँ पे 2B डुंगरी टोला हुल्लुम ये सब क्षेत्र में हम लोग इसको बांट रहे हैं। इंटीरियर एरियाज में जिस जगह पे एकदम खाने के लिए आदमी तरस रहे हैं, हमने ये भी देखा है जब हम लोग भोग ले जा रहे हैं आदमी लोग जब खिचड़ी जब हम लोग ले जा रहे हैं जब उनको बांटा जा रहा है तो उनको जब खिचड़ी खाने के लिए मिल रहा है तो उन लोगों को गोरे आँख में आंसू आ जा रहे हैं। ये अवस्था है इस लॉकडाउन का, हमें देख के बहुत खराब लग रहा है, मगर क्या करें, समय के अनुसार हम लोग जितना सामर्थ्य हो सक रहे हैं अपने अनुसार हम लोग अपना योगदान कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।